नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनता टीवी के पर्टकल थर्मामीटर में। पर्टकल थर्मामीटर आज हम मौजूद हैं धार्मिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है ये काशी। काशी का ये देख रहे हैं गंगा किनारे का विहंगम दृश्य है, किस तरीके से बेहतरीन दृश्य है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है, गंगा आरती का सीन दिखाने जाएंगे। देखिए किस तरीके से गंगा आरती सजी हुई है, यहाँ थोड़ी देर में यहाँ पे गंगा आरती शुरू होगी और पूरी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे पूरे अलग अलग ग्रुप के लोग आए हुए हैं, मैं सबसे बात करना चाहूंगा आप लोगों से। आप बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल सिंह पटेल है। निखिल पटेल जी, चुनाव होने वाले हैं। हाँ, चुनाव में किस क्या लग रहा है, मतलब किसके भेजा जाता है? वैसे जिंदाबाद बीजेपी आने वाली है हमें लगता है। क्यों, ऐसा क्या है? जय श्री राम। जिस हिसाब से उनका प्रचार वगैरह चल रहा है उसको देखते हुए आपको मोदी में क्या अच्छा लगा? मोदी काम कर रहे हैं, देखिए गंगा को पूरा साफ कर दिए हैं, यहाँ से पार्टीशन वगैरह करा रहे थे अभी। अच्छा अच्छा, गंगा चल रहा है। आप भैया आप बताइए आप यहाँ पे आयो, यहाँ पे चुनाव आने वाला है यूपी में, चुनाव में क्या मुद्दा चल रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? क्या हम बताएं, हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। नहीं, महंगाई मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो है। और क्या क्या मुद्दा? शिक्षा नहीं मिल रही है बच्चों को, पढ़ाई रुक गई है, बेरोजगारी है और नौकरी नहीं मिल रही है बच्चों को। तमाम मुद्दे हैं जी। किसको लग रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा? अब तो देखिए जनता के ऊपर डिपेंड करता है किसको देना है किसको नहीं। आप बताइए क्या लगता है कि चुनाव किस मोड़ पे जा रहा है? इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई सस्पेंस की चीज नहीं है। और एक बात कहना चाहूंगा कि निंदा की बौछारों से हुनर कहाँ झुकता, उड़ती है लाखों धूल मगर सूर्य कहाँ छिपता। आदित्यनाथ सूर्य का दूसरा नाम है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश देकर अंधकारों को मिटा देते हैं, उस तरीके से हमारे योगी जी ने अपने प्रकाशों से पूरे अपराध को, पूरे ऐसे गंदगियों को, गैर कानूनी चीजों को मिटा दिया है। इसलिए पूर्ण बहुमत से फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता ने अपना मूड बना लिया है, योगी जी आ रहे हैं और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। योगी जी, मुद्दा क्या है योगी जी आ रहे हैं? देखिए आप ये देखिए, पहले जो बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो दे रहे हैं, फ्री राशन बांट रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो गरीबों के लिए सुनेगा उसी सरकार बनेगी यूपी में। फ्री देगा क्या? आप फ्री राशन देने के पक्ष में है? हाँ है, फ्री राशन मिल रही है। क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, नहीं बगैर काम के नहीं, वो तो काम हो रहा है ना, मतलब दे रहे हैं और जनता उनपे मतलब प्रभावित है। कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा, जो अमीर तो वो ले लेगा लेकिन गरीब कहाँ से लेगा? मेन बात ये आती है, मजदूरों की संख्या अधिक है, कहीं भी चले जाइए, किसान जो गरीब वर्ग है वो हमेशा से ही राशन वो पेट के लिए ही लड़ता है, सुबह शाम वो इसी की रहता है कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे। ठीक है, तो इसीलिए सब चाहते हैं कि योगी लोग चलते हैं। देखिए आपने बताया, अब मैं यहाँ आना चाहता हूँ। आप बताइए भैया, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत कुछ है। क्या क्या है, मतलब किस लिए वोट देते हैं? वोट क्यों देते हैं आप लोग? वोट हम लोग के अपने राइट है। हाँ, अधिकार के लिए, हमारे। लेकिन आप जो वोट देते हैं वो तय करते होंगे कि आदमी हमारे पक्ष का है, हाँ? जब आप काम करेंगे तो क्या देख रहे हैं? महंगाई देखते हैं, बेरोजगारी देखते नहीं हैं? महंगाई देखिए, महंगाई है वो अपने तरफ पे है, हमारे पास 2-3 बीघे खेत है, हम अपना कर लेंगे, गरीबों को कौन देखता है? वो गरीबों को देख रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा, हमको क्या चाहिए? कौन देख रहा है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में माहौल किसका है? देखिए उत्तर प्रदेश में माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का ही है और योगी जी इस बार पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा है भैया? यूपी में माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी का है। क्यों है? बीजेपी विकास किया है। विकास किया है, विकास बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? विकास किया, अच्छा किया है। आपको विकास किया जी? आप बताइए। काम पे वोट दिया जाएगा। योगी अखिलेश कहते हैं काम मैंने किया, काम किए हैं भाई। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ बताइए। मैं दिल्ली पूर्वांचल जनता पार्टी का, दिल्ली प्रदेश प्रवासी मजदूर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली। हाँ, अपने प्रवासी मजदूर तो कोरोना बहुत झेले थे। हाँ बहुत झेले थे, मैंने हम लोग अपने कोष से अपना खर्चा निकाल कर प्रवासी लोग का मेहनत किया, जो यूपी बिहार का लोग था मैंने उन लोग को भेजने का अपना घर काम किया था जी। उस टाइम में कोई नहीं काम दिया था, हम लोग अपना कोष से खर्च किया था, हम लोग सरकार में नहीं है। तो क्या लगता है आपको माहौल किसने यूपी में, किसका फेवर चल रहा है, किसका किया जाता है ज्यादा अच्छी है यूपी में? तो अब अखिलेश जी का सरकार आ रहा है। क्या लग रहा है आपको? लग रहा अखिलेश जी का ही है, लग रहा
आ रही अखिलेश सरकार? यस सर आ रही है। अखिलेश योगी 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 नहीं नहीं, अखिलेश यादव का सरकार आएगा। मैं कहीं दो, मैं प्रवासी मजदूर का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, क्योंकि प्रवासी लोग जितना भी पूर्वांचल यूपी बिहार झारखंड बिहार का लोग जब दिल्ली में रहता है उसके साथ कंपनियां वाले ठेकेदार लोग क्या गलती करते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं और बांध के मारते हैं। वहां पे लड़ने वाले कोई नहीं जाते हैं। हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार और झारखंड के लोग लड़ते हैं मजदूर के लिए, कोई सरकार में बैठ के नहीं लड़ता। फ्री राशन व्यवस्था है वो मजदूरों के लिए काफी बढ़िया है, गरीब लोगों के लिए। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो मजदूर को मिलता। मजदूर के लिए भुखमरी से कोरोना में कितने मजदूर मरे? नहीं, मजदूर कितने मरे, सही बात बताइए। मीडिया देखिए भाई, आप मीडिया वाले हैं, जनता का राय सुनिए। मैं भी जानता हूँ, मैं बड़े पैसा वाला का बेटा नहीं हूँ, मैं नेता का बेटा नहीं हूँ। गरीब का क्या हालात था कोरोना में, कोई देखा? आपने देखा? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा। इसमें राशन तो क्या हुआ, स्थानीय नेताओं, स्थानीय गंगा में क्या सफाई हुआ, आप मुझे बताइए। मैं इस वाराणसी यूपी में हूँ, मैंने वाराणसी यूपी में हूँ तो सिर्फ अखिलेश सरकार, हमारी सरकार हर हर मोदी, हर हर मोदी इस बार आएगी तो सपा ही सरकार आएगी, क्योंकि सपा का लहर बहुत तेज चला है इसमें। आप बताइए, अब मैं चलता हूँ आगे, देखता हूँ पब्लिक क्या कर रही है। मैं दिखाऊँ इधर विहंगम दृश्य किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से। आइए यहाँ बात करते हैं, आइए आइए भैया, एक बताइए चुनाव आ गए, चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? हमें कुछ नहीं पता माहौल भैया, बीजेपी क्या मतलब किसका माहौल है, किसका? बीजेपी का है, बीजेपी सरकार है, काम किया है, बीजेपी ही आएगी, अखिलेश सरकार आएगी इस बार। सपा 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 इस तरीके से देखिए, माहौल अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों से हम बात करने का क्रम जारी रखेंगे कि कहाँ लोबा क्या कहते हैं। युवाओं में बराबर की टक्कर है, आधे युवा ये कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने काम किया है, और इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब आने की संभावना ज्यादा है। आपको क्या लगता है कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है? काम किया है, विकास किए हैं, थोड़ा काम किए हैं तो इसलिए आएंगे। और क्या काम किया है? बहुत सारे काम किए हैं, केहू आवा सब अपन खाली काम करी, पैसा बिड़ा बिड़ा कुल नेता मस्त रही है, जनता बक्सियोत बनल रही, कोई मतलब थोड़ी ना है। आप देख लीजिए, आज पाँच सालों में जिस हिसाब से बनारस का विकास हुआ है, ये कोई तथ्य नहीं है आपके पास, ये तथ्य नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के आने पे, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सांसद बनने पे, आप जिस हिसाब से बनारस का विकास हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं विकास नहीं हुआ। रोजगार हमें विकास नहीं किया, हमें रोजगार चाहिए। भैया मेरा बात सुनिए, भैया वन मिनट प्लीज वन। रोजगार क्या, मेरा भाई लोग बेरोजगार है, नौकरी मिला क्या मेरा भाई लोग को? रोजगार मिला क्या भैया? रोजगार मिला भैया? एक सेकेंड मैं बताऊं, बड़े भैया मैं मर जाऊं, मेरा रोजगार साला रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप 65,000 SSC की भर्ती आई थी, आप स्टैंड नहीं है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ कि किस तरीके से यहाँ पे जनता रिएक्ट कर रही है। साफ जाहिर है यहाँ पे मोदी को लेकर लोग बहुत उत्साहित है, उनको लगता है कि इन्होंने बहुत विकास किया और बनारस की तस्वीर बदल दी। मैं बनारस में 80 घाट पर हूँ और बोल ठीक एक नाव पे खड़ा हूँ गंगा की लहरों के बीच में। क्या कहती है लहरों में बैठे हुए लोग जो अपने यात्रा करने जा रहे हैं और शाम को जो काशी का जो दर्शन करने निकले हुए हैं। मैं देखना चाहूंगा लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस प्रकार के चुनाव को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे चुनाव का जो माहौल है आपने देखा होगा, क्या चल रहा है, कैसा है? चुनाव में जो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं, मतलब गरीबी पे, अमीरी पे,
तो काम पे, विकास पे, सुरक्षा पे, किस काम पे? विकास पे। विकास पे, विकास पे अखा यूपी प्रदेश का विकास होना चाहिए। जिनको जिनको जो बेघर है, जो अभी काम पे नहीं है, जिनका काम चला गया है, उनके लिए विकास हो ये, और खेतीबाड़ी वाले एग्रीकल्चर फार्मर्स इनका विकास हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमें यही लगता है कि विकास होगा वो भी गरीब लोगों के लिए होगा। यहाँ के रास्ते और जो भीड़ है उन कुछ एक ये नहीं है, क्या कहते हैं, सुविधाएं हाँ नहीं है, लेकिन होना चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। हाँ मतलब आप एक गृहिणी हो, गृहिणी होने के नाते आपको जो कुकिंग गैस का प्राइस है वो इस चुनाव में कितना इफेक्ट करता दिखाई देता है? गैस का प्राइस तो आपको मालूम है, कुकिंग गैस का एक सिलेंडर जो है 1000 का हो गया है ना, इससे आम महिलाओं बहुत प्रताड़ित रहती है कि बचत हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट लगता है आपको? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, क्योंकि डालेगा नहीं डालेगा जो क्या कहते हैं, जो जिनको जिनका इनकम 500 से कम है तो वो कहाँ से इतना पैसा ला सकते हैं? जिनकी आमदनी सिर्फ 300 रुपए या 400 रुपए होती है उनके लिए जरा महंगा पड़ेगा। और घर में अगर ज्यादा कमाने वाले हो गए तो ठीक है, लेकिन एक ही आदमी जो कमाता है और छोटे बच्चे, उनके स्कूल, उनकी पढ़ाई सब होती है, तो इसलिए जरा तकलीफ। आपको क्या लगता है चुनाव का क्या मुद्दा? औद्योगिक विकास और लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के योगी सरकार कहती है हमने बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है, आप यहाँ पे हो यूपी में, आपको कैसा लगा? मुझे तो ठीक ही लगा, ठीक लगा, हाँ अच्छा लगा। आपको लगता है कि यहाँ पे रिपीट करेगा योगी? हाँ मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? पहले हमने सुना है कि गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब कम हो गई है। अभी फील नहीं हुआ कि क्या हुई कि नहीं, मतलब नहीं वो तो आज ही आए हैं। और मुद्दे क्या है यहाँ पे? हमने सुना है कि वो विश्वेश्वर मंदिर का परिसर जो है वो बहुत क्लीन किया है और अच्छा किया है, तो वो देखने आए हैं आज। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के मुद्दे क्या हैं? नहीं मालूम, आप बताइए। आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? आप बोल रहे हैं यूपी में कुछ नहीं बोला, आप बोल रहे हैं यूपी में कुछ नहीं? जी योगी जी आएंगे और पूर्व बहुमत से आएंगे जी, लगता है श्योर। श्योर जितना, वैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, अच्छा, लेकिन जितना भी मैंने यूपी में घूमा फिरा हूँ, जितना भी देखा है, विकास तो हुआ है। अच्छा, कहाँ घूम के आए? काफी, मैं एक्चुअली अभी नोएडा में रह रहा हूँ, मेरी दीदी जी रहती हैं, तो वहाँ मैंने देखा है काफी। अभी जैसे जेवर एयरपोर्ट वगैरह भी मिल रहा है और भी सारी चीजें हैं। आप बताइए, आपने यूपी देखा? नहीं अभी पहली बार आई। पहली बार आई, क्या लगता है आपको? अभी तो आज पहला दिन है। चलिए आइए, मैं देखता हूँ और लोग हैं अब मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश का मेन मुद्दा क्या है? पहले तो मैं जनता टीवी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। बताइए सर, क्या मुद्दा है यूपी में चुनाव का? देखिए यूपी में बीजेपी सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, डबल इंजन की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि क्या बता रहे हैं, बदलाव के मामले में जो है ना मुद्दा केवल विकास 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 विकास। क्या ये सही है, विकास हुआ है? हाँ सर एकदम सही है, विकास हुआ भैया। आपने अभी हाल में विकास में क्या तीन चीजें बताइए, क्या क्या होंगी सर? जैसे कि देखिए अभी आप विकास के मामले में इसी घाट का ले लीजिए, मोदी जी ने इसी पे सफाई अभियान चालू किया था, यही घाट पे मोदी जी ने सफाई अभियान चालू किया था। और विकास देख लीजिए आपके सामने है, सड़कें देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए, स्वच्छता अभियान देख लीजिए, अब क्या विकास चाहिए लोगों को? बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी कोई नई चीज नहीं है, धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है। बेरोजगारी एक दिन में नहीं खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? भैया विकास हुआ है, मोदी जी मंदिर बनवाए हैं, कॉरिडोर बनाए हैं, घाट पर भी पब्लिक आने लगे, अच्छा लग रहा है, दूसरा लोग का कमाई हो रहा है। धारा 370 खत्म हुआ, सबसे बड़ा चीज है ये सर, छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के नजरिए से चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है, विकास तो हुआ ही है सर, विकास तो हुआ है। आज इसी घाट पे लोग आना नहीं पसंद करते थे, जो है कि आज इस समय पूरा आपके सामने नजारा है। विकास सर बहुत जबरदस्त विकास हुआ है, एक्सप्रेसवे बना है, ये भी विकास के मामले में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, गंगा एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन की तैयारी है, क्या विकास चाहिए? ये है। आपको क्या लगता है कि और कुछ मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं, अखिलेश का सरकार एकदम बन रहा है। देखिए एक नाव है,
इनमें तमाम लोग हैं, तमाम बाहरी लोग हैं, तमाम यहाँ के बनारस के हैं, जिनमें तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ पर विकास का मुद्दा होगा, सुरक्षा का मुद्दा होगा, और कुछ ने कहा कि यहाँ पे बनारस का बहुत विकास हुआ है और मोदी ने बहुत काम किया है, योगी ने काम किया है, और वो रिपीट करेंगे। दोनों तरफ बराबर की टक्कर है। अब देखना तो 7 तारीख को होगा कि कौन किसको वोट डालता है और वोट किस करवट बैठता है, क्या मुद्दा है। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं सर, हम लोग छत्तीसगढ़ से, यहाँ से चुनाव के बारे में मालूम नहीं है। आप भी छत्तीसगढ़ जी जी। अच्छा, क्या लगता है कि यूपी में आप घूम रहे हो, क्या माहौल है यूपी का? अखिलेश आ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल, अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। आप योगी जी आएंगे यहाँ? योगी जी निश्चिंत ही आएंगे, कहे कि सनातन धर्म का बढ़ावा ही मोदी जी और योगी जी के कारण ही संभव हो पाया। आपने बताया था कि साइकिल आ रही है जी, कैसे आ रही है? देखिए, हम जो टीवी पर जो देख रहे हैं ना भाई, जो पत्रकार जो बच्चों से बता रहे हैं। नमस्कार नमः शिवाय। क्या लग रहा है आप लोग, कौन आ रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ, देखेंगे कि यहाँ पे जो चुनाव है, परसों चुनाव यहाँ पे जी, जो 7 तारीख को मतदान है, 7 तारीख को मतदान में यहाँ पे क्या माहौल है? हर हर योगी, हर हर मोदी। हर हर योगी, हर हर मोदी। आपको किशन दीक्षित का सर दक्षिणी में बहुत अच्छा चल रहा है। हमसे भी जी, आप बताइए किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, मुद्दा क्या है? इस बार स्टूडेंट का मुद्दा है, सरकार स्टूडेंट का मुद्दा है, और जो भी होगा सब स्टूडेंट के हाथ में है, और स्टूडेंट पावर सबसे ऊपर है, जो भी होगा दम हर हर गंगे। धर्म के नाम पर वोट मांगना सबसे बड़ा अपमान है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अच्छा अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? धर्म के नाम पर वोट मांगना सबसे बड़ा अपमान है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एकदम सही बात है, देश का बंटवारा करना उससे बड़ा अपराध है जो हुआ 47 में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हर मोदी योगी बोल के कि हम लोग जानते हैं कि पोलिंग बूथ पर सरकार बदलेगी, हमारी बात जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोलिंग बूथ पर लगाया जाता है कि कोई भी मतलब वोटिंग करे तो किसी को पता न चले वो अपना विचार है, तो जनता से पूछना कि आप किसको जिता रहे हैं ये गलत बात है, माहौल तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी से। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? आपको नहीं पता ना बताइए, लेकिन अपना ज्ञान ना बताइए। बहुत उत्तम विचार दिया भाई, जमानना पड़ेगा, कोई बनारसी बाबू है ना। सवाल इस बात उठता है, अगर बात गलत है तो कोई बताए हमारे। तो मोदी घर घर मोदी, हर हर योगी, बताइए हमें। योगी मोदी रहेंगे 100% रहेगा। राजमंड चौचा चाला बहुत, काशी यात्रा चाला बहुत, गंगा आरती कूड़ा सुपर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मोदी और योगी का फेवर है कि अखिलेश साइकिल कर रहा है, किसका है? आई डोंट नो। आपको क्या लगता है? मोदी कुल मिलाकर के मुद्दा यही है यहाँ ये, चूंकि बनारस मोदी का गढ़ है, मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे विकास को लेकर के जनता काफी संतुष्ट दिखाई देती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक मौजूदा मंत्री है नीलकंठ तिवारी एक सामने है, दूसरे यहाँ पे महंत परिवार के किशन दीक्षित है, तो किशन दीक्षित और महंत परिवार और मौजूदा मंत्री दोनों आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि 7 तारीख को होने वाले मतदान में कौन जीतता है, किसको वोट पड़ते हैं, किसको नहीं पड़ते हैं, ये तो 10 तारीख का परिणाम ही बताएगा, लेकिन 7 तारीख का इसका फैसला हो जाएगा। जनता टीवी के लिए रियाज के साथ बनारस से अनिल के अंकुर।